आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है 10 बजे 10 खबरों का। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी है। 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोगों की मौत की खबर है। केदारनाथ मंदिर के दोनों तरफ नदी में पानी उफान पर है और गौरीकुंड में भी पानी से भारी तबाही हुई है। क्षेत्र में बना हेलीपैड ध्वस्त हो चुका है। वहीं दौरे पर जा रहे ऊखी मठ के एसडीएम की गाड़ी बाढ़ में बह गई और बड़ी ही मुश्किलों के बाद उन्हें बचाया गया। उत्तराखंड में कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। 25,000 से ज्यादा लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि वहां पर राहत और बचाव के काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो आपदा प्रबंधन की टीम वहां पर लगाई गई है। प्राकृतिक आपदा ऐसी देखी जा रही है इस वक्त उत्तराखंड में, जिसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तबाही की। बिल्डिंग किस तरह से भरभराकर गिर गई, तस्वीरों को देखकर इस कहानी को ज्यादा बयां करने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, जिसका वो घर होगा उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, जब अपने ही आंखों के सामने इस पूरी की पूरी इमारत को यूं गिरते हुए परिवार ने देखा होगा। मसूरी में बादल के फटने की वजह से 50 से ज्यादा परिवार इधर उधर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव के काम में वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई गाड़ियां जो राहत और बचाव के काम के लिए भेजी गई थी, चाहे वो जेसीबी मशीन हो, ट्रक हो या बाकी की जो मशीनें लगाई गई थी, वो भी खिलौनों की तरह आपको इन तस्वीरों में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख पा रहे हैं जहां तहां फंसी हुई हैं ये गाड़ियां। बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो चुका है और तबाही का ऐसा मंजर है कि लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आंसू है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। इस वक्त हमारी संवाददाता मीरा रावत देंगी और ज्यादा जानकारी। मीरा, सबसे पहले ये बताइए, राहत और बचाव का काम कैसा चल रहा है वहां पर? जी चित्रा, बिल्कुल। देखिए, राहत और बचाव के लिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा, उन्होंने सभी जिले के जिलाधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और आज 12:30 बजे वो सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लेंगे अपना से कि किस जिले में कितनी जानमान की हानि हुई है, कितनी क्षति हुई है। लेकिन चित्रा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि शासन और प्रशासन पहले से ही तैयार नहीं थे इस आपदा को झेलने के लिए और यही वजह रही कि जब इतनी बड़ी तबाही सामने आई तब जाकर जो राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग है वो हुआ है। और अभी तक भी जो है जो राहत एवं बचाव जो कार्य है उसमें तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अब इसमें जो भारी बारिश है और भूस्खलन हुआ है जिससे सारी सड़कें जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, वो कहीं ना कहीं अब बाधाएं बन रही हैं, क्योंकि आने जाने के लिए कुछ भी यहाँ पर संसाधन इस वक्त मौजूद नहीं है और आदमी कैसे उन रास्तों को पार करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। अब शासन की तरफ से एक आदेश आया है कि जो सरकारी हेलीकॉप्टर है उनकी मदद ली जाएगी, जो रास्ते में तीर्थयात्री फंसे हैं उनको निकालने के लिए। चित्रा, बिल्कुल, सेना की भी मदद ली जा रही है वहां पर और तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस भारी बारिश ने किस तरह की भयंकर तबाही वहां पर मचाई है और भारी बारिश होने और कई जगह जमीन खिसकने की वजह से भी भारी तबाही इस वक्त उत्तराखंड में देखी जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यही स्थिति अगले 24 घंटे तक बनी रहने वाली है। मीरा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मीरा, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि सबसे ज्यादा तबाही किन किन इलाकों में देखी जा रही है? जी चित्रा, बिल्कुल। देखिए, अगर हम तबाही की बात करें तो सबसे ज्यादा तबाही केदार घाटी और उत्तरकाशी में देखने को मिली है। केदार घाटी में क्योंकि पैदल मार्ग काफी लंबा है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई यहाँ पर यात्रियों को चढ़नी होती है, तो जाहिर सी बात है कि बीच में जो पड़ाव थे वहां पर काफी संख्या में यात्री रुके हुए थे और जब ये बारिश आई और ऊपर से जो तबाही नीचे को आई उसमें काफी यात्रियों के यहाँ पर बहने की संभावना है। इसके अलावा जो बीच में जो पैदल चट्टियां पड़ती हैं वो भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। गौरीकुंड में भी काफी तबाही हुई है और इसके अलावा उत्तरकाशी में काफी तबाही यहाँ पर हुई है। 4-5 मकान यहाँ पूरी तरह से गंगा में समा गए हैं। इसके अलावा जो जेसीबी मशीनें थी जो सड़क साफ करने के लिए वहां पर रखी गई थी 24 घंटे की, ताकि यात्रियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, वो भी पूरी तरह से गंगा में समा गई है। जो बद्रीनाथ हाईवे मार्ग है वो भी जो है काफी लगभग 44 मीटर मार्ग जो है वो गंगा में समा गया है। तो आप सहजी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जगह जगह यात्री फंसे हुए हैं और अब जाकर जो है शासन थोड़ी सी हरकत में आया है। अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव को और जो आपदा सचिव है उनको कि जल्दी से जल्दी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी अभी नहीं है। किस राज्य में जिस तरीके से मौसम है और जिस तरीके से आगे 24 घंटे में रहने वाला है उससे अभी भी बचाव और राहत कार्य में जो बाधाएं जो है वो अभी आ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका मीरा, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आसमान से आई आफत ने किस कदर
कहर बरपाया है उत्तराखंड में। मसूरी में बादल फटने की वजह से 50 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो जगह तगह फंसे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं तबाही का मंजर ऐसा है जिसको बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं चारों धाम, इस मैप के जरिए चारों धाम की स्थिति जो बनी हुई है, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, यहां पर लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। हर साल इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार आसमान से बरसी आफत ने अब जो श्रद्धालु हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। और कहा यह जा रहा है हजारों की तादाद में श्रद्धालु जहां तहां फंसे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके घर वालों को चिंता उनके सता रही है और यहां पर राहत और बचाव के काम में भी देरी आ रही है। बारिश बाढ़ की वजह से बर्बादी का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है। भागीरथी, असी गंगा, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं। चारधाम यात्रा रोक दी गई है। 28,000 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी जिले में सबसे ज्यादा तबाही इस भारी बारिश और बाढ़ की वजह से देखने को मिल रही है। सिर्फ उत्तरकाशी ही वो जिला है जहां पर 15,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। कुदरत का सबसे बड़ा कहर उत्तराखंड पर टूटा है। यहां गंगा उफान पर है और प्रशासन ने लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो अपनी जान बचाने के लिए महफूज इलाके की ओर चले जाएं। उत्तरकाशी में कुदरत का कहर, मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, पानी के प्रकोप से मचा हाहाकार। उत्तरकाशी में पानी से हाहाकार मचा है। मकान बह गए, ट्रक बह गए, जेसीबी मशीनें भी तैरने लगी। क्रेन पानी में बहकर कहां से कहां पहुंच गई। जब सैकड़ों टन वजन की मशीनों का ये हाल है तो जरा सोचिए इंसान का क्या हाल हो रहा होगा। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में भारी बारिश की वजह से मकान टूटने से हुए हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पिछले 40 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा और भागीरथी में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तबाही का ऐसा सैलाब आया है कि कई जगहों पर बनाई गई सुरक्षा की दीवारें बह गई। नदियों के तटों की सुरक्षा में लगी मशीनें कई किलोमीटर बह गई। जरा गौर से देखिए बाढ़ में बहे इस ट्रक का क्या हाल हुआ है। अब देखिए बाढ़ ने इस क्रेन का क्या हश्र किया है। इतनी भारी भरकम मशीन को पानी कागज के नाव की तरह बहा रहा है। अब देखिए तिलोत पुल का एक हिस्सा पानी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। आवाजाही बंद कर दी गई है। बस्तियों का भी यही हाल है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। गंगा में भी कई जगह पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए संवेदनशील जगहों को खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। कई जगहों पर गंगोत्री राजमार्ग बंद है, जिसके चलते प्रशासन ने सैलानियों को अपनी जगहों पर ही रुके रहने के लिए कहा है। देहरादून में आई बाढ़ का असर दिल्ली तक में हो सकता है। देहरादून के विकास नगर के डाक पत्थर बैराज से 1,00,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गिरीश गैरोला, इंडिया न्यूज, उत्तरकाशी। उफनती लहरों का तांडव तो आपने देख लिया है। इस तांडव ने और भारी तबाही मचाई है। चमोली से ये खबर है जहां पर राहत और बचाव के काम में लगा हेलीकॉप्टर डूब गया है। राहत और बचाव के काम में कई हेलीकॉप्टर वहां पर लगाए गए थे। चमोली से ये खबर है जहां पर हेलीकॉप्टर के डूबने की खबर सामने आ रही है। राहत और बचाव के काम में यह हेलीकॉप्टर लगा हुआ था। अभी अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जेसीबी मशीन के साथ, ट्रक के साथ ही साथ तमाम और भी जो मशीनें वहां पर लगाई गई थी राहत और बचाव के काम में, उन्हें पानी की लहरों ने अपने साथ बहा लिया। और अब जानकारी यह है कि चमोली में जो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ था वो भी हेलीकॉप्टर डूब गया है। देवेंद्र रावत हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अब देवेंद्र, और किस तरह की जानकारी मिल पाई है और हेलीकॉप्टर में जो लोग मौजूद थे उनके बारे में क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो चमोली जिले में है बाढ़ की बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक होटल सुखिराई में था, वो बह गया है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर है
बीते दिन जब हेमकुंड साइड में पुल टूटे थे तो इन्हीं हेलीकॉप्टरों से वहां पर रेस्क्यू किया गया था। ये हेलीकॉप्टर गोविंद घाट में खड़ा था, इससे ये हरिकृष्णा कंपनी का हेलीकॉप्टर है और ये जो है अभी जब बाढ़ आई तो ये हेलीकॉप्टर उसमें बह गया है। एक दूसरी कंपनी का भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर था, वो उस हेलीकॉप्टर को जो इमरजेंसी उड़ान भरकर इंटर कॉलेज के प्रांगण में उतारा गया है। और कुल मिला के यहाँ पे स्थितियाँ बहुत संवेदनशील है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। रेस्क्यू का जहाँ तक सवाल है, रेस्क्यू के लिए ITBP रवाना तो हुई है लेकिन दहिया पुल के पास वो भी फंस गई है। तो ऐसे में यहाँ पे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है और नंदप्रयाग में पूरे 6 मकान बह गए हैं, पूरी बस्ती कटाव की चपेट में है। कुल मिलाकर चमोली जिले में जो है लगातार बारिश से यहाँ पर स्थिति बेहद संवेदनशील है, प्रशासन भी अपने बंगलों में कैद होकर रह गया है जी।